नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। जो करते हैं रक्तदान वो ही बनते हैं महान। नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फेडरेशन एवं लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप की ओर से आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। रक्तदान से अगर किसी को नवजीवन की प्राप्ति होती है तो इससे बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है। लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप लगातार रक्तदान के मुद्दे पर लोगों को जागरूक करती है एवं रक्त भी रक्तदानी के माध्यम से अत्यंत ज़रूरतमंदों को दिलाती है। इसी सिद्धांत के साथ कानपुर के युवा समाज सेवी 9 बार के रक्तदानी सुमित श्रीवास्तव द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कानपुर में सुमित श्रीवास्तव राष्ट्रीय संगठन सचिव नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं टीन को कोऑर्डिनेटर लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप के सहयोग से कानपुर के मोती झील पार्क में कराया गया। टीम लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप एवं नेशनल ह्यूमन राइट्स कॉन्फेडरेशन प्रयासों के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से विशेष अनुमति प्राप्त करके शिविर का आयोजन कराकर सराहनीय प्रयास किया है। कानपुर के मोती झील पार्क में आयोजित इस शिविर में 16 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। इस रक्तदान शिविर के लिए विशेष रूप से हैलट से आई BCT वैन के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर एवं अन्य सभी गाइडलाइंस का समुचित प्रयोग व पालन कराते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया। हैलट अस्पताल के ब्लड बैंक से विनोद कमल, उमेश कमल, डॉक्टर संजय, डॉक्टर शोएब, PRO वसीम सिद्दकी एवं शैलेंद्र का विशेष सहयोग रहा। लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप से अंजलि पांडे ने बताया कि रक्तदान से जुड़ी जागरूकता फैलाने से लोग रक्तदान हेतु प्रेरित होते हैं। लखनऊ की शान हेल्थ ग्रुप के सदस्य सुमित श्रीवास्तव कानपुर में कई सामाजिक एक्टिविटीज़ को पूरा करते हैं। खबर जगत के लिए LH सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? सुमित श्रीवास्तव। ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स में राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। ये जो आपने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया, इसमें क्या कैसे क्या है? ये कोरोना के कारण बहुत सी दिक्कतें आई, लोगों को ब्लड की समस्या हो रही थी और काफ़ी समस्या ये आई थी कि लोग ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहते हैं ये प्रयास किया और ये प्रयास हम लोग पहले भी करते हैं। मैं लखनऊ शान की हेल्थ ग्रुप से भी मेंबर हूँ और पीछे से हम लोग कई साल मतलब सालों से प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह कैंप लगवाते रहते हैं इस टाइप के, जहाँ पे ब्लड डोनेशन होते रहे, लोगों को ब्लड पहुँचता रहे। आज कितने लोगों ने आपकी संस्था द्वारा ब्लड डोनेशन का सहयोग दिया है? लगभग 18 लोगों ने दिया। 18 लोगों ने?